हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि यहां पर हम HTML में एम्बेड करके जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे और एक प्रॉम्प्ट बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम कोई भी वैल्यू टाइप कर सके या एंटर कर सके, कोई भी नेम, ठीक है। ऐसा एक प्रॉम्प्ट बॉक्स हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंट टाइप से, यानी डॉक टाइप से स्टार्ट करेंगे हम इसको। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक टाइप लिखते हैं, यहाँ पे यहां लिखा मैंने डॉक टाइप HTML, देन फिर HTML, फिर यहां पे हेड, फिर यहां पर हम टाइटल लगा लेते हैं। और टाइटल में मैं दे दूंगा कि टाइटल हमारा है क्या, यानी कि हमारा टाइटल है यहां पे प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने और टाइटल को यहां से करेंगे क्लोज, ओके। तो टाइटल को यहां से क्लोज कर दिया और हेड को भी यहां से क्लोज कर देते हैं, ओके। अब यहां पर हमें बॉडी टैग लेना है, तो यहां लेता हूं मैं बॉडी। अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं इस पे तो कलर दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं यहां पे कोई कलर नहीं दे रहा। फिर हम यहां पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, दैट्स व्हाई स्क्रिप्ट टैग को ओपन करना है हमें, ठीक है। और स्क्रिप्ट टैग को ओपन करने के बाद एक वेरिएबल बनाता हूं मैं ए नाम का, ठीक है। ये किसी भी नाम का हो सकता है, मैंने यहां ए नाम से बना लिया है, ठीक है। अब ए नाम का वेरिएबल बनाने के बाद इसमें हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट, ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, पी आर ओ एम पी टी, प्रॉम्प्ट, ठीक है। और अब जो हम वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं तो यहां पे ये दिखेगा एंटर अ वैल्यू, ठीक है, ये दे देंगे हम। तो एंटर अ वैल्यू दे दिया हमने और इसको यहां से क्लोज करेंगे, ओके। और टर्मिनेशन के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम टर्मिनेशन के लिए सेमी कोलन लगाते हैं, तो ये सेमी कोलन भी हमने लगा दिया है, ठीक है। यहां पर अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे ताकि हम कुछ लिख सके, और वेरिएबल का नाम ए है तो यहां पे ए दे देंगे। ए देने के बाद जब नीचे आएंगे तो यहां पर अब स्क्रिप्ट टैग को करना है क्लोज, तो यहां से स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद अब बाकी बचा है बॉडी टैग और HTML टैग, तो इसको भी हम यहां से क्लोज कर लेंगे। बॉडी टैग क्लोज किया हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, देन HTML को क्लोज कर लिया, ठीक है। तो इसको क्लोज करने के बाद अब इसको सेव करने की बारी है, ठीक है। मैं इसको एक नाम दे दूंगा सेव करने से पहले, यहां पे मैं नाम देता हूं पी आर ओ एम पी टी प्रॉम्प्ट वन डॉट HTML, डॉट HTML लगाना जरूरी है, ठीक है। एक हमारे और भी व्यूअर हैं जिन्होंने पूछा था कि HTML में इम्बेड करके जावास्क्रिप्ट को कैसे हम कोडिंग कर सकते हैं, तो इससे उनको लाभ मिलेगा, फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सेव करते हैं और आप इसको रन करवाएंगे। प्रॉम्प्ट वन नाम से है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे ये बॉक्स ओपन होकर के हमारे सामने आ रहा है। इसमें हम कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं 45 एंटर करता हूं और यहां से ओके प्रेस करता हूं तो यहाँ पे 45 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 45 प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको दोबारा से रन करवाते हैं, ठीक है। इसी प्रोग्राम को हम दोबारा से रन करवाएंगे, इसको मैं क्लोज करता हूं और दोबारा से रन करवाता हूं। तो डबल क्लिक किया हमने तो ये बॉक्स आया, अब हम इसमें अपना नाम टाइप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम टाइप किया, एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ पे पूरा नाम प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे काम कर रहा है, और इस वीडियो से काफी हद तक आपको जावास्क्रिप्ट में काम करने का अनुभव भी मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।